नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। और बड़ी खबर आ रही है सीधा मुंबई से। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अगले साल होने वाली लोकसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमा सकती है। सूत्रों की माने तो माधुरी काफी वक्त से बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। हालांकि अभी तक उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि वो अगर चुनाव लड़ती हैं तो अपने सियासी करियर की शुरुआत वे किस पार्टी के साथ करेंगी। इससे पहले पुणे से भी उनके चुनाव लड़ने की अटकलें थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच के दौरान माधुरी दीक्षित मैदान पर मौजूद थी। इस दौरान वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ दिखाई दी। उनके साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी थे। यही नहीं, वहां पर बीजेपी नेता आशीष शेलार भी मौजूद थे। जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में माधुरी दीक्षित के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। उत्तर मुंबई से हालांकि बीजेपी के कद्दावर नेता गोपाल शेट्टी लोकसभा सांसद हैं। गोपाल शेट्टी ने ही उर्मिला मातोंडकर को 2019 के चुनावों में हराया था और दूसरी बार सांसद बने थे। इससे पहले गोपाल शेट्टी ने 2014 में संजय निरुपम को शिकस्त दी थी। ऐसे में गोपाल शेट्टी की जगह माधुरी दीक्षित को लड़ाने का रिस्क इस सीट से बीजेपी शायद ही ले। माधुरी के उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से चुनाव लड़ने की संभावना बनती है। हालांकि ये सीट शिवसेना के खाते में है और गजानन कीर्तिकर जो शिंदे गुट में है वो यहाँ से सांसद हैं। हालांकि उनकी स्थिति इस बार ठीक भी नहीं है। ऐसे में इस सीट पर समझौते के तहत बीजेपी माधुरी दीक्षित को लड़वा सकती है। इस सीट पर इस बार भी संजय निरुपम कांग्रेस से बड़े दावेदार हैं, जो कि कीर्तिकर के खिलाफ मजबूत विकल्प है। ऐसे में माधुरी के लड़ने से निरुपम की राहें मुश्किलें भरी हो सकती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़।